साक्षी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। एक बेगुनाह की जान चली गई इस नक्सली हमले में और गाड़ी मालक की रोजी रोटी छिन गई इस नक्सली हमले में, जिसके चलते वाहन चालक यह तो इस दुनिया से चला गया लेकिन गाड़ी मालक को अपने उपजीविका से हाथ धोना पड़ा। दर्शकों, हम लोग मौजूद है इस वक्त यरंडी गाँव में, जहाँ हम अब नंद कुमार गहाने जो कि 1 मई को जो गाड़ी का एक्सीडेंट यानी जो बम धमाका किया गया था, उस बम धमाके में जो गाड़ी नेस्तनाबूत हो गई है, क्योंकि उसे तो बोला नहीं जाएगा कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और वो जो गाड़ी थी, वो गाड़ी जिस मालक की थी, उनसे अब हम चर्चा करेंगे कि वो गाड़ी उन्होंने पुलिस विभाग के जो 366 जवानों को क्यों दी थी और कैसे उनको क्या यानी उनका जो ड्राइवर भी जो शहीद हो चुका है उसके बारे में भी वो हमें थोड़ी सी जानकारी देंगे। अभी हम बात करते हैं नंद कुमार गहाने जी से। गहाने जी, दर्शकों को बताइए कि आप वाहन 366 जवानों को कैसे मुहैया, क्या यानी क्या क्यों देते थे, भाड़े पर देते थे या कैसे क्या देते थे? और सिर्फ डीजल डालते थे, भाड़ा वाड़ा नहीं देते थे। अच्छा, नहीं नहीं, लेकिन वो जबरदस्ती लेके जाते थे। हाँ, तो जैसा कि अभी हमारे को उन्होंने बताया कि वो जो गाड़ी है इनकी, वो गाड़ी मालवाहक गाड़ी थी और वो गाड़ी को वो जबरदस्ती यानी डीजल वगैरह दे दिया करते थे और वो प्राइवेट गाड़ी इनकी ही हमेशा यूज़ करते थे। लगभग कितने बार उन्होंने आपकी गाड़ी को यूज़ किया अभी तक के? बहुत बार, अभी तक बहुत बार लेके गए थे। काफ़ी दफ़ा उन्होंने उस गाड़ी को यूज़ किया हुआ है। तो मैं दर्शकों को हमारे आप बताएंगे कि भाई वो गाड़ी आपकी शायद टारगेट वगैरह तो नहीं हो गई थी? अभी टारगेट हो गई कि क्या, वो ज़्यादा हमको मालूम नहीं इसके बारे में, लेकिन हो गई होंगी वैसा। कई बार प्राइवेट वाहन था वो और वो प्राइवेट वाहन 366 जवानों को हमेशा लाना ले जाने का काम करता था, इस वजह से भी हो सकता है कि नक्सलवादियों ने उस गाड़ी को टारगेट रखा होगा और ऐसा ये पूरी घटना से हमें देखने को आया है। और लगभग ये जो गाड़ी है, वो गाड़ी के मालक जो है, अच्छा, इनके पास कोई ज़मीन वगैरह नहीं है ऐसा इन्होंने ही कहा है। आपके पास खेती बाड़ी है? नहीं, इनके पास कोई खेती बाड़ी वगैरह नहीं है। तो आपका फिर पूरी फैमिली वगैरह कैसे चलती है आप, यानी कैसा उनकी पालन पोषण कैसा करते हैं? छोटी सी मेरी पशु खाद्य की दुकान है और थोड़ा गाय रखता हूँ, थोड़ा दूध बेचता हूँ और पशु खाद्य की दुकान, और उसके ट्रांसपोर्ट के लिए मैंने पिकअप लिया था माल लाने के लिए, और कभी कभी भाड़े में जाती थी। अच्छा, इनकी जो गाड़ी थी वो भाड़े पर भी जाती थी और ये उसी से इनकी उपजीविका वगैरह चल रही थी। अच्छा, आप दर्शकों को बताइएगा कि किस तरीके से यानी आपका यानी जो गाड़ी है वो आपने कैसी खरीदी थी? मैं ये दूध बेचकर 1-1 रुपया जमा किया और गड्डी लिए। फाइनेंस किए? 5 लाख का फाइनेंस था। 5 लाख रुपए का फाइनेंस था। कहानी जी ने गाड़ी को अपने छोटे से जो दूध वगैरह बेचने का जो कारोबार है उससे उन्होंने उसे पैसे जमा किए थे और उसके पैसे का डाउन पेमेंट देकर इन्होंने 5 लाख रुपए प्राइवेट फाइनेंस कराकर वो गाड़ी खरीदी हुई थी। अब इस गाड़ी का ऐसा है कि यह गाड़ी उनकी पूरी तरह से नेस्तनाबूत हो चुकी है, तो क्या वह गाड़ी का इनको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या सरकार ने उस गाड़ी को यूज़ किया है और सरकारी जवानों को लेकर वो जा रही थी और वो गाड़ी बम धमाके की शिकार हुई, तो गाड़ी के आप सरकार इन्हें देगी या क्या होगा? इनको अभी वो लोन की काफ़ी किस्तें भी भरनी है, जब इनके पास गाड़ी नहीं है तो वो कहाँ से किस्तें भरेंगे? तो सवाल काफ़ी हैं लेकिन इन सवालों का जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। जैसा कि हम आपको बता दें कि इनके ऊपर अभी आर्थिक परिस्थिति का एक बहुत बड़ा संकट निर्माण हुआ है, क्योंकि उनका जो उपजीविका का साधन था, जो वाहन से जो ट्रांसपोर्टिंग वगैरह का जो भाड़े का चिल्लर काम करते थे, अब वो उनका काम पूरी तरह से बंद हो चुका है। अभी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जब आपकी गाड़ी जो एक्सीडेंट हुआ वो कितने बजे वगैरह हुआ था, ये आपको कैसी घटना पता चली? ड्राइवर को भेज दिया था तो मेरे को स्पॉट हो गया, आधा घंटे से बाद में मालूम हो गया, 12:30 बजे 1 तारीख को इनको घटना की जानकारी मिली कि इनका वाहन और जो उसमें जो जवान जा रहे थे वो शहीद हो चुके हैं। जैसा कि हम दर्शकों को बता दें कि हम जिस जगह मौजूद है यह नक्सल प्रभावित इलाका कहा जाता है और यह इलाके में आदिवासी समाज के बहुधा लोग निवास करते हैं और उसमें गहाने जी अपनी उपजीविका का एक साधन उन्होंने जो लिया था वो भी पूरी तरह से पूरा ख़त्म हो चुका है उनका।
अब उनके ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस गाड़ी की वो किस्ती कैसी पटाएंगे और इंश्योरेंस का क्लेम उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा या उनको अब कैसे सामने, ये बहुत बड़ा एक उनका सवाल बना हुआ है। मैं कैमरामैन नीलेश पसीने के साथ निशांत भाई। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।